आज अनाज मंडी फर्रुखनगर में शुक्रवार को सरकारी निर्देश अनुसार सरसों की खरीद शुरू कर दी गई है। सरसों की शुरुआत मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी विद्यानंद सागर व हैपेड सुपरवाइजर रविंदर द्वारा शुरू की गई। इसमें सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5650 रुपये प्रति क्विंटल। आज सुबह से ही किसानों की अच्छी खासी भीड़ अनाज मंडी में दिखाई दी गई। अनाज मंडी फर्रुखनगर में आज लगभग 235 गेट पास काटे गए हैं और 4916 क्विंटल हैफेड के द्वारा सरसों की सरकारी खरीद की गई है। सरकारी खरीद न होने के कारण ज्यादातर किसानों ने पहले ही अपनी सरसों बेच दी थी। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी विद्यासागर ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश के अनुसार सरसों की खरीद हैफेड द्वारा मंडियों में शुरू कर दी गई है। सरसों की खरीद से पहले दिन 4916 क्विंटल के करीब सरसों पहुंची, जिसमें नमी चेक करने के बाद खरीद एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए अनाज मंडी में सरसों की खरीद के दौरान कोई परेशानी न हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लाइट, जनरेटर, पीने का पानी, सफाई व्यवस्था और बरसात से बचने के लिए आड़तियों के त्रिपाल भी उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके बावजूद भी किसान सरकार के पोर्टल से परेशान है। आइए बात करवाते हैं किसानों से। गिरदावरी कर रखी है हमारी सरसों की, वादी पूरी ना हो रही थी, दो दो क्विंटल निकट रही है उनमें, एक पास में जी खराब माटी से खराब माटी कर रखी है सरकार। अभी टोकन कट लिए सर? आज टोकन कट लिया, 5 किले आगे ऑनलाइन थी जी, वो मैं 2 किले की सरसों 8 क्विंटल निकली है, 1 किला बहुत खराब माटी कर रखी है सरकार। गाँव है और सरसों की जो पंजीकरण करवाया था वो करवाया था 11 किला का, पटवारी की वजह से हुआ है, पटवारी ने ना करी, क्या नहीं करा पटवारी, पंजीकरण जो ऑनलाइन करनी थी तो उसकी मारी सिर्फ कैसे बेका। और ये जो खरीद रहा है प्राइवेट, ये खरीद रहा है 4800 जी, 800 रुपया का फर्क 800-900 को, जमींदार की जावे। तो आप पटवारी के पास दोबारा गए थे, क्या कुछ आश्वासन दिया पटवारी? पटवारी ने तो भाई दे दिया, हमने तो आगे भेज दिया, लिख के जो कार्रवाई होगी ऊपर तो हुई। कई शिकायत कराई है हमने अधिकारी से? कित करवावा बेरो तो हमने आज पाटो है भाई, जब ये टोकन कटना शुरू हुआ थे, जब आगे टोकन कटवाया थे, जब बेरो पाटो हमने तो हमारा तो ऑनलाइन ना हो रही। मेरा नाम है कॉमन, 6 किले की रजिस्ट्रेशन कराई थी और अभी तो खास रे खेत में ही खड़े हैं, ऑन द स्पॉट जाके देख लो। अब 2 किले की रजिस्ट्रेशन आई, सरकार में इतना घोटाला हो रहा है कि कहीं भी नहीं हो रहा, जमींदार जान से मार दिए सरकार ने। तो पटवारी से बात हुई सर? पटवारी कह रहा है हमारी कोई गलती नहीं है, ड्रोन से सर्वे हो रही है। नहीं बताओ पटवारी के धक्के खा, पटवारी पल्ला झड़ ले कि हमारी कोई गलती नहीं, ड्रोन से सर्वे हो रही है। तो वो ड्रोन कहाँ गया? तो अभी तो ठास रहे खेत में, इतना बुरा हाल कर दिया इस गवर्नमेंट ने। पटवारी जाओ या कोई भी अधिकारी आओ और चेक कर जाओ, जिला नंबर से चेक कर जाओ, खासरा भी खड़ा है और इन पे भावा भी ना। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम संजय है भाई, पापड़ी गांव है मेरा और अब भी मेरे खेत में खास रहे नुक्का खड़े हमारी। इसका 8 एकड़ में सरसों थी और 3 एकड़ पास हुई तो पंजीकरण नहीं हुआ था आपका? पंजीकरण हो रहा था अपना, करा रखा था पे, लेकिन वो सत्यापन में जो है रिजेक्ट कर दिया, दिखाया नहीं जा रहा, ऑनलाइन दस्तावेजों में है नहीं, काट दिए जी। तो पटवारी साहब से जाके दोबारा आपने बातचीत नहीं की? मैंने यही बात की थी, जाके पटवारी से बोला भाई वो ड्रोन से हो रही सर्वे कट गए, अगले साल देख लेना, ये जवाब मिलता है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले में? सरकार ने ये बहुत गलत है जी, प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हो रही। क्या पटवारी धरातल पे जाके हमने पटवारी देखा नहीं खेत में हमारे आगे, हमने जो रजिस्ट्रेशन करता है सत्यापन करने के लिए हमारे खेत में पटवारी नहीं है। आपके गांव के सरपंच लंबड़दार किसी ने आपको इतला दी होगी भाई पटवारी आ जाएगा? सरपंच ने इतला दी ना, लंबड़दार ने इतला दी, हमारे पास कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं। टोकन नहीं कट रहे टाइम पे? टोकन भी नहीं कट रहा ना, पटवारी सुन रहे कुछ ना सरपंच सुन रहे। कौन से गांव से आप? पादली गांव। पादली सारे पादली गांव से? हाँ। तीन कौन है पटवारी आपका? पटवारी का नाम तो ना पता जी, आप कल भी गए थे आज भी गए पटवारी पादली गांव का जो पटवारी लगता है उसके पास है ना? हाँ, 2 दिन के पटवारी।